क्या हो जब आप किसी लड़की के सामने हीरो बनना चाहो पर वो आपको एक आवारा बदमाश समझे, और वो लड़की जिसकी खूबसूरती के आगे आप ढेर हो जाओ पर उसी लड़की की बेइज्जती कर दो। अब रोहित मारवा के साथ तो ऐसा ही हुआ। मैं सब समझता हूं तुम जैसी लड़कियों का प्लान। मेरे परिवार वाले भले ही मेरी शादी करवाना चाहते हो पर मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली मां नहीं चाहिए। ये इल्जाम रोहित ने अनिका पर लगा तो दिया था, पर इसका अंजाम क्या होगा ये सब सोच रहे थे। रोहित अनिका के सामने तब आई जब उसे उसके बॉडीगार्ड्स ने बुलाया। अनिका जैसे ही होटल के अंदर घुसी थी उस पर शक की सुई ठहर गई थी। बॉडीगार्ड सोच रहे थे कि अनिका की तलाशी लेने का ऑर्डर आखिर रोहित ने उन्हें क्यों दिया था। वो तो इसी होटल की मेहमान थी और रोहित तो अपने मेहमानों की काफी इज्जत करता है, तो अनिका के साथ ऐसा क्यों? सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा, एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा। लेकिन जो लड़की सिर्फ एक पर्स और एक चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल लेकर अंदर आई थी उसके सामान में ऐसा क्या मिलेगा ये जानते हुए भी बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली, फिर उसे चक्कर ब्लूटूथ से रोहित मारवा से बात की। यस सर, इट्स पॉजिटिव, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। ये बॉडीगार्ड्स रोहित के लिए अपनी जान तक दे सकते थे और इस बार तो रोहित ने उन्हें सिर्फ ये आइसक्रीम चखने के लिए कहा था। ये सब रोहित ने क्यों किया इसका जवाब तो उसके नीचे आते ही मिला। अनिका की खूबसूरती, उसके घने बाल और गहरी नशीली आंखें देख कोई भी लड़का अपना गुस्सा भूल अनिका की यादों की दुनिया में खो सकता था, पर मशहूर रोहित मारवा नहीं। अपनी फीलिंग्स को रोक रोहित जब अनिका की ओर बढ़ रहा था तब होटल की लॉबी में खड़े सब लोग समझ गए थे कि रोहित का गुस्सा अनिका पर फूटने वाला है। वैसे सिर्फ रोहित के अलावा भी आगे एक और अनचाही बात अनिका के साथ होने वाली थी, जब अनिका की लिफ्ट को जबरदस्ती रोकने वाला था एक शख्स। लेकिन वो कौन था ये जानने से पहले की तो देखने कि आखिर रोहित ने लॉबी में अनिका के साथ क्या किया। रोहित मारवा को देखते ही अनिका उसे पहचान गई थी। आखिर इतने स्मार्ट, हैंडसम और पॉपुलर बंदे को कौन नहीं जानेगा, और ये रोहित मारवा ही तो था जो डॉक्टर अमृता यानी अनिका से मिलना चाहता था। अब रोहित इस बात से अनजान था कि जिस डॉक्टर से वो मिलना चाहता है वो ठीक उसके सामने खड़ी है। वैसे रोहित और अनिका के इस तू तू मैं मैं की शुरुआत का बिगुल तो अनिका ने ही बजाया था जब उसने रोहित जैसे आदमी को धमकी देते हुए कहा, Excuse me, what nonsense is this? You can't do this to me. I will call the police. पुलिस की धमकी से डर जाए, ऐसा कोई मामूली आदमी नहीं था रोहित मारवा, शेर पर सवा शेर भारी होने वाला था। हाँ, परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो और फिर खुद ही पुलिस बुलाओ, रोहित ने गुस्से में कहा। सब सोच रहे थे कि रोहित इतनी खूबसूरत लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकता है। अनिका को देखकर लग रहा था कि इस पर तो जाने कितने लड़के जान छिड़कते होंगे और रोहित है कि अकड़ में बात कर रहा है। सबकी सोच सही है। इस पर रोहित ने तब मोहर लगाई जब उसने कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका भी सोच में पड़ गई कि वो ना तो आज से पहले कभी रोहित से मिली है ना ही उसके किसी बेटे को जानती है, तो फिर ये क्या माजरा है। हालांकि अनिका भी इस बात से अनजान थी कि जो उधेड़बुन उसके मन में चल रही है उसका जवाब तो खुद उसकी अपनी बेटी है। जी कैसे ये आगे जरूर जानेंगे, पहले अनिका का जवाब सुन लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलीशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करो। आई कैन सू यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित मारवा, अब रोहित ने अब तक तो अपना नाम अनिका को बताया नहीं था, तो उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही रोहित को शक होता है कि अनिका जो भी कर रही है उसके करीब आने के लिए और उसके पैसे हथियाने के लिए कर रही है। रोहित अनिका से सख्त लहजे में कहता है, आई न्यू इट, तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ, इस होटल का मालिक, और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? शायद ये भी जानती हो कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। सुनो एक बात, वो जो भी चाहते हो, मुझे अपने बेटे के लिए कोई सौतेली माँ नहीं चाहिए। रोहित की बातों ने अनिका को हैरान कर दिया था, लेकिन तभी रोहित ने कहा, ये सब प्लान भी तुमने ही बनाया होगा कि पहले मेरे मासूम बेटे को फंसा लो तो फिर ये बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, क्यों? एक पल के लिए सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या अनिका वाकई जानबूझकर रोहित के होटल में रुकी थी। वहीं अनिका का मन कर रहा था कि वो रोहित को पलट के जवाब दे, पर वो चुप थी। आखिर इस खामोशी से
कहीं वो अपना गुनाह तो नहीं कबूल कर रही थी या वो अपनी बेटी रिया की वजह से चुप थी। रोहित तशन में चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है। Stay away from my son। चेहरे पर भले ही गुस्सा लिए रोहित अनिका से दूर जा रहा था, पर अनिका का हुस्न रोहित के दिल के करीब आ चुका था। रोहित को लगा कि जाते जाते एक बार तो उसे मुड़कर फिर उस खूबसूरत लड़की को जरूर देखना चाहिए। होटल में खड़े सभी लोग डरे हुए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की कि रोहित पलटेगा भी, लेकिन अनिका का हुस्न था ही ऐसा कि रोहित ने अनिका को फिर एक बार देखने का मन बनाया। वो जैसे ही पलट रहा था वो एक वेटर से जोर से टकराया। सारी प्लेट जमीन पर गिर गई। वेटर को लगा आज तो उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल ही देगा, लेकिन रोहित ने बस अनिका को देखा और खुद वेटर को सॉरी कहकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर अनिका के घर पर उसकी बहन कामिनी अनिका के पति कुणाल को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी, लेकिन कामिनी से शादी करने से पहले कुणाल ने एक शर्त रखी थी। वो जानता था कि ऐसी लालची लड़कियों से ऐसे ही काम निकलवाया जा सकता है। कुणाल की ये शर्त और अनिका की बहन से शादी का माजरा क्या था ये जानने से पहले उस इंसान से तो मिलने जिसने लिफ्ट में पांव रख जबरदस्ती अनिका की लिफ्ट को रोका था। अनिका ने अपना गुस्सा अपने लिफ्ट के बटन पर 5-6 बार दबा कर निकाला। लिफ्ट में घुसते ही उसने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। उसे इस वक्त चिंता थी रिया की। उसे लग रहा था कि कहीं रोहित ने रिया को कुछ कर ना दिया हो। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो पाता इससे पहले ही एक पांव दरवाजे के बीच आया और दरवाजे को बंद होने से रोक दिया। एक 19 साल का लड़का था रोहित मारवा का कजिन, उसका भाई सनी। सनी ने अनिका से वो बात कही कि अनिका का पारा और गर्म हो गया। देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी है। काफी लड़कियां ट्राई कर चुकी है ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं। मगर मेरे भाई बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ना वो किसी के पास जाते हैं और ना उनके और आर्यन के पास कोई आ सकता है मेरे सिवा। सनी ये कहते ही अपना पांव लिफ्ट से हटाता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अनिका अब भी शांत थी। वो जल्द से जल्द अपने रूम में पहुंचती है, लेकिन रिया को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो सोचती है कि जब रिया उठ जाएगी तो वो उसे चॉकलेट आइसक्रीम खिलाने ले जाएगी। अनिका अब सोफे पर आराम से बैठती है कि तभी उसके फोन पे एक मेल आता है। फोन देखते ही अनिका सोचती है कि ये अब कौन सा नया खतरा उसके सामने आ गया है। वहीं गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती और नशे में थे। कुणाल ख्वाब देख रहा था कि कल वो एयरपोर्ट वाले उस लड़की से मिलेगा, वही लड़की अनिका जो सालों से उसकी बीवी है, जिसकी शक्ल से कुणाल को नफरत थी। पर अब जब उसका रूप बदल गया है तो वो इस नई लड़की को कोई और समझ उसके प्यार में पागल हो चुका था। ठीक वैसे ही जैसे कामिनी कुणाल के प्यार में पागल थी। वो लालच में अपनी ही बहन अनिका से उसका पति छीनने वाली थी। कामिनी ने कुणाल का हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। वहाँ गौतम और मनीषा भी हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुँच गए थे। कांग्रेचुलेशंस, आज कामिनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। ये कहते ही उन्होंने कुणाल के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुणाल ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर्स को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने भी मजाक करते हुए कहा, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जल्दी तुम्हारी और कामिनी की शादी कर देंगे। बस ये सुनते ही कुणाल का मूड ऑफ हो गया और उसने रख दी अपनी एक शर्त। इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे ना मैं करूंगा। ये कहते ही कुणाल वहां से निकल जाता है। कुणाल जिसकी कंपनी पर नजर गड़ाए था वो थी अनिका, जो उस होटल में एक मैसेज आने से शॉक में थी। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि रोहित मारवा ने किया था। रोहित ने अनिका को नहीं डॉक्टर अमृता को ये ईमेल किया था। Want to meet you urgently. एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है जो सिर्फ आप कर सकती हैं। रोहित के इस मैसेज को देख अनिका को अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया। उसने डॉक्टर अमृता के आईडी से लिखा कि दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए,
रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर डॉक्टर अमृता तक पहुंचना चाहता था। रोहित को तभी एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में फोन लगाया और इस ईमेल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए अपने एम्प्लॉय सैम से कहा। रोहित का मानना था कि डॉक्टर अमृता जहां कहीं भी होगी वो उसे ढूंढ लाएगा। तभी सनी ने रोहित को इन्फॉर्म किया कि रोहित के बेटे आर्यन को कुछ हो गया। रोहित टॉप फ्लोर की ओर भागने लगा। आर्यन के साथ कहीं अनिका ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी? रोहित क्या जान पाएगा कि ये ईमेल करने वाली डॉक्टर अमृता उसी के होटल में है और वो अनिका है? कहीं अनिका इस सब के बाद होटल से फरार तो नहीं हो जाएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे एक लड़की को देखा तो के आगे के एपिसोड सुनकर, और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और जवाब कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।